हेलो एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 14. द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स सच दैट 3/5 to the power 3 इंटू 3/5 to the power -6 इज इक्वल टू 3/5 to the power 2x-1. स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स के वैल्यू फाइंड करनी है. तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है वो लिखनी है एज इट इज़. अब यहाँ पे हम लॉ यूज़ करते जाएंगे 1/1. ये लॉ हमने यूज़ किया है. आपको लॉ में रिमेंबर करवा देती हूँ कि जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं. हमने ये लॉ यूज़ किया है यहाँ पे. बेस से 3/5 इसे 1 time लिख के हमने पावर्स को प्लस किया. और नेक्स्ट साइड जो RHS है हमारा एज इट इज़ हमने लिखा है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ±-, तो 6 -3 3 और बिग डिजिट का साइन माइनस है, तो यहाँ -3 होगा हमारे पास. 3/5 2x-1 एज इट इज़. स्टूडेंट, ये रूल होता है कि जब LHS और RHS में बेस सेम होते हैं तो बेस से बेस हम कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ 3/5 3/5 बेस सेम है तो 3/5 से 3/5 हम कैंसिल कर रहे हैं. हमारे पास एक्सपोनेंट को अब हम कंपेयर करेंगे. -3 = 2x-1. इस इक्वेशन को सॉल्व करके अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले -1 का साइड चेंज किया हमने. -1 साइड चेंज करके प्लस में आया. -+-3 -1 2 बिग डिजिट का साइन माइनस है इसलिए हम -2 लिखेंगे. = 2x. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. और 2 और एक्स के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई साइन दिखाई नहीं देता वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई होता है. जब मल्टीप्लाई साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड में जाता है, तो हमें इक्वेशन मिलेगी -2/2 = x. अब यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो हमें मिलेगा -1. इस तरह से x की वैल्यू होगी -1. स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.